हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, तो पूरा दुर्गा पूजा के लिए नए नए कपड़े भी लिए थे, ज्वेलर्स भी लिए थे, लेकिन 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 गाइस, इस बार बहुत ही अजीब सा दुर्गा पूजा मेरे लिए, क्योंकि मैं सैटरडे को भी रहेगा सोचा था, तो मतलब आराम से जाऊँगी सोची थी, लेकिन नहीं हुआ गाइस। अभी माँ का प्रतिमा तो विसर्जन कर दिया है, तो क्या करें अभी अभी मतलब तो सुनने को मिल रहा है कि माँ का प्रतिमा विसर्जन हो गया है, तो क्या करें बच्चों के साथ, नया कपड़ा पहन के हमारे पास जो ये वाटरफॉल रिजॉर्ट है ना, यहीं पे आ गई थोड़ा सा बच्चों के साथ। तो यहाँ पे भी रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पे भी रेस्टोरेंट भी बंद है, और हर जगह पे आज होटल तो सब तरफ से बंद है, क्योंकि आज तो नेपाल लोग का टीका भी है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मोमो चाउमिन ही खाना खोजते बच्चे लोग, तो मोमो तो नेपाली होटल में ज़्यादा मिलते हैं, वो सब भी बंद है। तो गाइस क्या करें, यहीं पर आके थोड़ा सा समय तो बिता लिया, और यहाँ पे कुछ कुछ लोग हैं, यहाँ पे बहुत कम है लोग, और रेस्टोरेंट भी बंद है, और यहाँ पे देख सकते हो तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये का, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला रिजॉर्ट, और थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया। और बहुत शाम हो गया, 5-6 बज गया, अभी देखो 6 बजे के समय सिर्फ चिड़िया का ही आवाज़ तो सुनाई दे रहा, चीची चाचा इधर उधर, क्या वीडियो बनाएंगे ना, शाम भी हो गया, थोड़ा 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 फोटो वोटो ले लिया, और तो बच्चे भी बहुत थोड़ा सा खुश हो गया, मतलब नया कपड़ा पहन के, फर्स्ट टाइम यही लोग ये घगड़ा ले रहा था, लेकिन पहनने को मिला भी नहीं, तो यहीं पे टाइम बिता लिया पूजा का। और ये वाला रिजॉर्ट मुझे अच्छा ही लगा है, बहुत ही खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी सब तरफ से एकदम हरियाली है, बहुत शांत है प्लेस थे, आप लोग भी आना चाहते तो आ सकते हैं ये वाला रिजॉर्ट पर, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर देखो गाइस, तो बहुत ही सुंदर से ये वाला फ्लावर्स को डेकोरेशन करके रखा है, यह विंडो प्लान ही है, देखो इतना खूबसूरत से, मैं इसका फ़ोटो कहीं बहुत जगह पे देखी, लेकिन कहाँ पे ये जगह मुझे पता नहीं था ये फ्लावर्स का, तो अब पता चला है आज तक, तो यहीं पे फ़ोटो वोटो लेते हैं लोग, तो बहुत ही खूबसूरत से मेंटेन करके रखा है इस जगह को, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, मुझे तो अच्छा लग गया, मन एकदम शांत हो जाता है ना ऐसे जगह में आने से, तो आप लोग भी आना चाहते तो आ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे मैं कभी कभी रोड से जाती हूँ, तो बहुत सारे लोग बाहर से देखते हैं, आज तो बहुत इसका बच्चा मिल गया तो, उसका यही था गाइस, थोड़ा सा आप लोग के लिए वीडियो बना दिया, फ्रेंड के लिए ज़्यादा अभी जाने वाले की तरह, बहुत देखो आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ लाइट से यहाँ पे उजाला हो रहा है, बाकी तो रात ही हो गया सब तरफ से, सिंधा प्रिया थोड़ा सा खुश है, क्या है ना ज़िंदगी बच्चों के साथ ही खुशियाँ होती है, बच्चे खुश हैं तो हम भी बड़े खुश हैं, लेकिन पूजा में जाने के लिए नहीं मिला, ये लोग ये लेंगे वो लेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी सोच रही थी पूजा इस तरह से दूंगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं गाइस, पार्लर में बिज़ी रहना पड़ता है, और बिज़ी रहते रहते मुझे पता ही नहीं चला कि कितना दिन पूजा होगा, इतना मतलब खुद को इतना गिल्टी फील हो रहा है, मैं बोल नहीं सक रही हूँ, बहुत ही मतलब ख़राब लग रहा है खुद को। और अभी गाँव जा रही हूँ, जहाँ पे पूजा का मंडप तो बिठाया था इस बार, तो वहीं पे जा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे देखना है, खाली होने से भी मंडप में देख के आ जाऊँगी, और यहाँ पे देख सकते हो बहुत से लोग आना जाना कर रही है अभी भी, कोई कोई शायद मेरा जैसा ही हो रहा है कि पूजा है बोल के आया था, पूजा नहीं है, और कोई कोई लोग तो माँ के प्रतिमा को विसर्जन करके वापस आ रही है, और जो सुनने को मिला कि वहाँ पे निर्माली भी देंगे अभी लास्ट, कुछ कुछ और मतलब करेंगे और पूजा वूजा, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पर, हो सके तो निर्माली ले लेंगे, देखो बहुत से लोग मेरे जैसे ही आना जाना कर रहा अभी भी, और गाइस निर्माली भी नहीं मिला, बहुत देरी हो जाएगी, इसलिए मैं वापस आ गई, यहाँ पे चाउमीन मिल गया और बच्चे चाउमीन खा ले, तो यही तक था गाइस, तो ये वाला वीडियो,